हमारी धरती अजीबोगरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है। बरमुडा ट्रायंगल से लेकर अंडरवाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी जगह मौजूद हैं, जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना सिर पकड़ कर बैठे हैं। आज आप ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ। यह वाकई में एक पहेली है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में नगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद है एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है, यानी जिस जगह वो अभी मौजूद है अगले साल ये यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे मुंह कर जाएगा, और वो बिल्कुल नेचुरल है। अगर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर आपने उसको अपने घर में रख लिया तब भी वो ऐसे ही मुंह करेगी। नंबर दो, तुर्कमेनिस्तान के सेंटर में जहाँ ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बसती है कि जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहाँ 24 घंटे आग लगी रहती है। यह गड्ढा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान या आग, पीछे 50 सालों से ये ऐसे ही जल रहा है। लेकिन सवाल ये कि आग जलाई किसने है? 1971 में एक थायोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी से यह गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आने लगी। मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है। इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाले इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। नंबर तीन, यह अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। यह माउंटेन माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2,810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पर वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम के मुताबिक यह माउंटेन 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। रिसर्चर्स के लिए बात हैरान करने वाली थी कि जब उन्होंने यह देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में मिली हैं जो उन्होंने पहली बार देखी थी। नंबर चार, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि यह ब्रिज भगवान राम ने बनाया था, और जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने जिन पत्थरों से ब्रिज को बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे, और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। रिसर्चर ने जब हकीकत को जाना तो उन्हें मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं से लाए गए थे। नंबर पांच, ये बात तो हम सभी जानते कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की समंदर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अंटार्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समुन्द्र के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समुन्द्र के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समुन्द्र के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि समुन्द्र की लहरों के बीच भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में दोनों समुन्द्र के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं, और इसी वजह से इन दोनों समुन्द्र के पानी की क्वालिटी भी अलग अलग है, और इनका सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है, यही रीजन है कि दोनों समुद्र बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।